सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। माला कुंभ कपाल नीरज कर चंद्राधोड़ा पर सर्वज्ञेश्वर भैरवांकन पद्मावत संत सच्चे द्रवार की जय। माँ भगवती की असीमन कंपा से आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेष वसांतिक नवरात्र की चतुर्थ नवरात्र के अवसर पर माँ भगवती के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञा भान भव भूरिभूत करण धाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भ दलन व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुनरत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तु शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यम आविदात शुभमानम हियति धनम धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धान्य से समृद्ध करें सब और से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्ति जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सम्मिल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगलकरणी मैया जय आनंदकरणी मैया जी को निषदिन धावत हरि ओम जय अम्बे गौरी ज्वल से दो पर साधे ओम जय अम्बे गौरी धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवक इनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी मोती चंद्र दिवाकर सम्राजते
विषयों में भर माया,
बूढ़ापन कुछ काम न आया, जीवन सफल बना शरण माया, मेरा जीवन सफल बनाओ शरण माया, यौवन का साथ नहीं है, धन यौवन का साथ नहीं है, धन कुछ पास नहीं है, धन कुछ पास नहीं है, काम बड़ा नहीं, काम बड़ा नहीं, गुलदाम शरण माया, धर्म मार्ग मुझको न सुहाते, सदा कुमार मुझको भाते, मन चंचल तेरा ध्यान करता, बड़ा चपल नादान शरण माया, क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ, दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवत की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई, इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ विभूति की आरती उतारी जाएगी, आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी, शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ विभूति से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोले सच्चे दरबार की जय, जय माता दी, 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 ओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ओ जय माता दी, 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 ओ जय माता दी, 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 जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, दरबार की जय। भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, संभल कर बोलना, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दुशो जहि, यशो देहि दुशो जहि, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चन कश्चित् दुःखभाग्भवे, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें, आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें, जय माता दी।
आनंद वाली जय होती है ना, वो जय ही लग होती है, वो अंदर से निकलती है। जो आपने जहां बैठ के आनंद लिया, आनंद आया कि नहीं आया आपको आरती का? किसी को आ रहा इधर से आया, इधर से नहीं आया, सबको आरती का आनंद आया? ऐसे 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 अगर आया तो बोलिए, नहीं आया तो फिर उसका अरेंजमेंट करते, फिर माता रानी को प्रार्थना बोलने करेंगे कि आपको फिर जल्दी जल्दी बुलाए।
शास्त्री जी ने इतने अच्छे आपको प्यार से इतने अच्छे प्रवचन दिए, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर भेंटें गाई आपने, जहां माता रानी जी की गोदी में बैठ के ये जो तप किया, इसी को तपस्या कहते हैं। लेकिन ऐसा स्थान तप के लिए मिलता नहीं है, ये किस्मत वालों को ही मिलता है। आप वो किस्मत वाले हो जिनको माता रानी ने खुद बुलाया, निमंत्रण देके नवरात्रों में, आजा बेटा मैं तुझे याद कर रही हूं। इसका मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ आपकी झोली में डालना है। अपनी जल्दबाजी के चक्कर में कहीं वो हाजिरी आपकी फिर पेंडिंग ना रह जाए, इसलिए अपनी बारी का इंतजार करना। जितना इंतजार आप करो, यकीन मानिए उससे भी ज्यादा वो उतावली बैठी है अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, आपकी झोलियां भरने के लिए। आज माता कुष्मांडा जी के रूप के दर्शन हैं, जगत जननी माता रानी जी अंदर बैठी हुई हैं। आप सबके लिए मैं मां से यही प्रार्थना करूंगा कि जगत जननी मां अब सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, झोलियां खुशियों से भरें, हाजिरिए आपकी कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ अपने दरबार में फिर से बुलाएं। जब हम घर से चलते हैं, हर किसी के मन में कोई ना कोई इच्छा होती है कि मैं दरबार जाऊंगा, कोई सुख की हाजिरी देने आता है, कोई दुख भरी झोली मां से अपनी खुशियों के रूप में उसको बदलने के लिए आता है। लेकिन यकीन मानिए जी, ऐसा दरबार है जहां पर मां निराश नहीं करती। आपकी झोलियां जरूर भरी जाएंगी, लेकिन उसके लिए भी आपको कर्म भी वैसे करने पड़ेंगे जैसा हम मां से चाहते हैं, ऐसा मां भी कुछ ना कुछ हमसे चाहती होगी। इसलिए जो चीज आज हमें नजर आ रही है, कल जब हम उस पड़ाव पर पहुंचेंगे तो अगर वो सुविधा नहीं मिलेगी आपको तो बहुत तकलीफ होगी। इसलिए आज उस कल को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप को सुधार कीजिए। वो सुधार क्या? अपने मां बाप की सेवा कीजिए, अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनिए। अगर आप मां बाप की सेवा में होंगे, यकीन मानिएगा चरणों में हाथ लगा के एक बार मां को बोलना, वो आपकी हाजिरी वहीं से भी कबूल कर लेगी। लेकिन हम जे थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं, आप अपने मां बाप की सेवा करिए, क्योंकि आज हम बेटे हैं, कल हम वहां पर पहुंचेंगे उस स्थान पर, तो हमें चाहिए कि हमारे बेटे सेवा नहीं कर रहे। इसलिए इस रीति को कभी खत्म होने मत दीजिएगा। ये हिंदुस्तान की पहचान है, यही सोने की चिड़िया है जो हमारे यहां हिंदुस्तान में है। इस रीत को कभी भी मत जाने दीजिएगा। आप अपने मन से, दिल से मां बाप की सेवा कीजिए और माता रानी जी का गुणगान कीजिए। आपके साथ जब हम दरबार में आते, आप सभी आए हैं, तो मन करता है आंखें नहीं भरती, मन करता है माता रानी जी के सामने आगे खड़े रहें, तब कोई हमें जल्दी नहीं होती। जैसे अभी सभी को थोड़ी सी जल्दी हो रही है, कुछ के चेहरे सिर्फ उसी तरफ है, पुजारी जी कब छोड़ेंगे तो हम जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, आपको छोड़ा हुआ है माता रानी के पास। जब हम जामा के पास पहुंचते हैं तो मन नहीं भरता, तब सब कुछ भूल जाते हैं, तब यही होता है कोई हमें बाहर जाने के लिए मत बोले। लेकिन यकीन मानिए, श्राइन बोर्ड आपके लिए पूरी सेवा में बैठा हुआ है, आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे जिसके लिए आप जहां पर आए हुए हैं। लेकिन जी फिर भी नहीं भरता, इसलिए फिर दोबारा आना पड़ता है।
न जी भर के देखा न कुछ बात की। यही मन की अभिलाषा है माता रानी से हम भाई किसी ना किसी रूप में, देखो इधर देखो इधर देखो हर जगह देखो माँ ही माँ, लेकिन किसी ना किसी रूप में माँ मिल जाए। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, इना अखियां नू लेन दे नजारा माए नी थोड़ी देर ठहर जा, इना अखियां नू बेला मुड़ मुड़ आना नहीं दोबारा माए नी थोड़ी देर ठहर जा, बेला मुड़ मुड़ आना नहीं दोबारा माए नी ठहर जा, नहीं तो बच्चे रुल जानगे अम्मी एनी पाग साडे खुल जानगे, थोड़ी देर ठहर जा थोड़ी देर ठहर जा थोड़ी देर ठहर जा थोड़ी देर ठहर जा, तेनू आना पवेगा इत्थे मां दुबारा माए नी थोड़ी देर ठहर जा, इना अखियां नू लैन दे नजारा माए नी थोड़ी इना बच्चिया नू छड़ माए किथे जाएगी, कहां जाएगी मां हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, इना बच्चिया नू छड़ माए किथे जाएगी, वो जिथे जाएगी मां उथे साड़ी याद आएगी, तेनू आना पवेगा इत्थे ही दोबारा माए नी थोड़ी देर ठहर जा, इना अखियां नू लैन दे नजारा माए नी थोड़ी थोड़ी देर ठहर जा थोड़ी देर। सभी मिलके और लंबी जा बोलियां खुशियों पर, जैसे जैसे हाथ ऐसे ऐसे जा, और वो इसलिए जय लंबी की माता रानी जी से आशीर्वाद लेते हुए पूरे भारतवर्ष में फैले आशीर्वाद सुख और शांति लेके, बोलो सच्चे दरबार की। अभी जय मेरी ज्यादा आपकी कम है, सभी मिलके बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, आशीर्वाद जय माता दी जय माता। सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।